नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस की। अभी हम बात कर रहे हैं कोलिजन पर बेस्ट क्वेश्चंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है यहाँ पर, इसमें यूज कर रहे हैं अपन। तो हमसे बोला गया कि एक बॉल है वो इस तरीके से रिलीज किया हमने एज हाइट से, ठीक। अब ये जो बॉल है बिफोर स्टॉप बाउंसिंग, तो बताए इसमें कितनी एवरेज स्पीड होगी और कितना इसका एवरेज वेलोसिटी होगा, ये चाहिए अपने को, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में, इससे जो पहले वाले क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चंस में हम बात कर चुके हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी कितना होगा, है ना, या कवर्ड बाय द बॉडी कितना होगा, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो 1+e² / 1-e² इस तरीके से टोटल डिस्टेंस हमारे पास आई थी, ठीक है। एच 1+e² / 1-e² और टोटल टाइम जो हमारे पास आया था वो कितना आया था भाई, 2h/g 1+e/1-e, ठीक। इस तरीके से ये अपने को दो वैल्यूज जो है वो मिली हुई थी ऑलरेडी पहले से। प्रीवियस क्वेश्चंस में अपन ने इसमें डिस्कस किया है कि ये आए कैसे हैं, तो आप जाकर वो क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। अब हमसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड बताओ, है ना, एवरेज स्पीड के बारे में बात हो रही है, V average, है ना। ये जो अपन बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूं स्पीड में, तो स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो कितना होगा भाई यहां पर, अगर अपन टोटल डिस्टेंस की बात करें तो h वैल्यू रख देते हैं 1+e² / 1-e², ठीक, ये टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2h/g 1+e/1-e, है ना। ये कर सकते हैं अपन यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको, ठीक। अब बाकी क्या है अपने को यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख देना है, ठीक। तो v एवरेज जो आएगा आपका स्पीड में वो कितना आएगा भाई अपने पास में, ये हो जाएगा आपका √gh/2 और ये बन जाएगा बेटा अपने पास में 1+e² / 1+e इसका होल स्क्वायर, है ना। इस तरीके से अपने इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे अगर अपन देखें, अपने से बोला गया v एवरेज बताओ, ये किसका है भाई, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का कैसे निकालेंगे, कि वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, एच है, ठीक। तो वी एवरेज जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा अपने पास में यहां पे, कि एच अपॉन जो टोटल टाइम है वो तो एज इट इज सेम रहेगा भाई, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक। तो √2h/g और ये बना 1+e/1-e, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, तो ये क्या बन जाएगा, और जी एच अपॉन 2 और 1-e/1+e, ठीक है। इस तरीके से अपने पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक। अगले में अपन यहाँ पे सीखेंगे कि मोमेंटम में क्या चेंज आएगा और किस तरीके से चेंज आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हर टॉपिक के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिले, अच्छे टॉपिक्स मिले जो बहुत ही अच्छे मतलब फिजिक्स में माने जाने वाले टॉपिक है, तो उनके सॉल्यूशंस या उन पर बेस्ड क्वेश्चंस या उनकी थ्योरी, तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।